हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। हमने मान लिया कि ये प्रोजेक्टाइल है, इस तरीके से, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो अब इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। अब ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल द पार्टिकल विल कवर बोथ डिस्टेंसेस। सपोज दैट किसी टाइम टी में पार्टिकल जो है पॉइंट पी तक पहुंच गया है, तो अब इस पार्टिकल ने एक वर्टिकल डिस्टेंस वाई भी कवर की है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स भी कवर की है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एक्स है, ये इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा की वजह से कवर की है, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, और वर्टिकल डिस्टेंस वाई जो है वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा की वजह से कवर की है, जो कि वेरिएबल वेलोसिटी है। तो अब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, दोनों डिस्टेंसेज में यानी एक्स में और वाई में कॉमन क्या है, टाइम टी। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिस्टेंसेज एक्स और वाई सेम टाइम पीरियड टी में कवर की गई हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम बात करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आता है। तो लेकिन हम जब वर्टिकल मोशन की बात करें, तो वर्टिकल मोशन में जो वर्टिकल वेलोसिटी ये है, ये वेरिएबल है, इसलिए हम वहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एक्स एंड स्पीड यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड कौन सी लेंगे हम, यू कॉस थीटा, एंड टाइम इज टी। तो टी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की, तो फॉर वर्टिकल मोशन के लिए कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई कर देते हैं एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि ऊपर जाने पर वेलोसिटी घट रही है, यू साइन थीटा घट रहा है। एच मीन्स हाइट इज वाई, यू मीन्स इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा। टी टाइम वी कैन टेक एक्स अपॉन कॉस थीटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी इज अगेन एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। दिस इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज वाई इज इक्वल टू यू एंड यू कैंसिल, इट विल बी एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आ गई। ओके, ये इक्वेशन एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन और इसमें एक्स की पावर जीरो, तो एक्स के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कभी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वो हमेशा आपको पैराबोला मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, हम इसको कह सकते हैं विच इज अ पैराबोला, जो कि एक पैराबोला हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमको ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।